नीतीश बाबू आपसे आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की गरिमा को मत गिराइए। मुख्यमंत्री पूरे बिहार वासियों के, 14 करोड़ बिहारियों के और बिहारी अस्मिता के सवाल पर आपको झुकना नहीं चाहिए। जिस आपातकाल में कांग्रेस ने लाठियां चलाकर बिहार के समाजवादियों की राजनीतिक तौर पर जन्म दिया हो, वही लाठी खाने वाले नेता आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी को अब सपना देखने का भी अधिकार नहीं है। आप एक तरफ जनता दल यूनाइटेड देखते होंगे, जहां नीतीश कुमार जी कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू किसी के नहीं है। नीतीश बाबू पहले तो बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए थे, अब ये लग रहा है कि अब उनका बात सरकार में भी कुछ नहीं चल रहा है। पिछले बार जब वो राजद को छोड़े थे तो कारण बताए थे ना कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करें, आज किससे समझौता कर रहे हैं नीतीश बाबू? देखिए, नीतीश जी का कोई सिद्धांत के सामने उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के साथीगण, मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख जी, एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अजीत चौधरी जी, मीडिया के प्रभारी राकेश जी, अशोक जी, मुख्यालय प्रभारी सुरेश गुमका जी, और इस मंच पर मैं सर्वप्रथम जो आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, इसमें कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए श्री कुंतल कृष्णन जी, इस मंच पर उपस्थित रोहतास की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, कांग्रेस की पूर्व नेता श्रीमती शीला सिंह कुशवाहा जी, जिला परिषद के सदस्य जदयू नेता कौशल वर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता और जदयू के पूर्व नेता आदरणीय बेगूसराय के धीरक के रहने वाले अमित कुमार सिंह जी, मोतिहारी केसरिया के सम्मानित नेता अमरेंद्र कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आए पटना के नेता आदरणीय प्रसून कुमार टिंकू जी, सोनपुर की प्रतिनिधि रही और सम्मानित मुखिया रही आदरणीय श्रीमती मधु दांगी जी, जगदेव पथ के नेता आदरणीय सुनील कुमार वर्मा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन तमाम साथियों को भारतीय जनता पार्टी में आने पर पुरजोर तौर से स्वागत करने का काम करता हूं। और आप लोग आए हैं तो पार्टी और मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी को और सहयोग मिलेगा, ताकत मिलेगा। और मैं पूरी स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन इतनी मजबूत हो रही है आप लोगों के सहयोग से कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो महागठबंधन ठकबंधन के लोग हैं, इनको पूरी तरह बिहार की जनता साफ करने का काम करेगी। और साथ ही साथ बिहार में लोकतंत्र स्थापित हो, जिस तरह कल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी का कुछ अब महागठबंधन में नहीं चल रहा है। नीतीश बाबू पहले तो बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए थे, अब यह लग रहा है कि अब उनका बात सरकार में भी कुछ नहीं चल रहा है। और अब तो इनको पहले महागठबंधन बनाने के बाद यह स्पष्ट झलक रहा है कि अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कठपुतली के मुख्यमंत्री रह गए, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं।
बिहार की राजनीति में पूरी तरह बिहार की अमान बिहार की एकजुट जनता चाहती है बिहार में बदलाव हो, नीतीश मुक्त बिहार बने, बिहार में लोकतंत्र स्थापित हो, बिहार में समाजवाद की जो विचारधारा था उसको आगे पहुंचाने का काम करें। और आप लोगों ने देखा जिस आपातकाल में कांग्रेस ने लाठियां चलाकर बिहार के समाजवादियों की राजनीतिक तौर पर जन्म दिया हो, वही लाठी खाने वाले नेता आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। 74 के आंदोलन के तमाम नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, या और भी जो समाजवादी आंदोलन का प्रतीक माने जाते हैं बिहार में, वो सारे लोग आज कांग्रेस के गोद में खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि और 24 और 25 आज जो कई साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, इनके ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। जिस तरह 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसी तरह बिहार में भी कई लोगों को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, उनको 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा जनसंघ के लोगों ने बनाया, लालू प्रसाद जी को 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, और नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा का कार्यकर्ता 2025 में सरकार बनाकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, इसके लिए सहयोग देने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आज तमाम साथी सभी लोगों ने ज्वाइन किया, विशेष तौर पर कुंतल जी, शीला जी, कौशल जी, अमित जी, अमरेंद्र जी, प्रसून जी, मधु दांगी जी, सुनील कुमार जी, सभी लोगों का मैं विशेष तौर पर इनके साथ भी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी आपके बल पर, आपकी ताकत पर, आपके सहयोग पर बिहार में भाजपा की सरकार बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, भाजपा की उम्मीदें बढ़ेगी इससे? देखिए, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी जब तय किए कि हम एनडीए से अलग हों, तो उनको सपना दिखाया गया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊं। और जिस तरह उनके दल के नेता, उनके दल के अध्यक्ष का नाम एक दिन भूल गए नीतीश बाबू, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित कर दिया कि अभी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार ही नहीं। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी को अब सपना देखने का भी अधिकार नहीं रहा, तो बचा क्या? हमसे तो अलग सिर्फ इसलिए हुए थे कि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया, और महागठबंधन के लोगों ने दिल्ली से फरमान जारी किया कांग्रेस ने कि जब तक आप ये घोषणा नहीं करेंगे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तब तक हम पटना आएंगे ही नहीं। और आज तो कल उनको स्टेलिन के पास जाना है, स्टेलिन भी नहीं आने वाले थे, अब ये स्टेलिन के पास जा रहे हैं तमिलनाडु, और उनको मनाकर पटना लाएंगे कि आप चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आपसे आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की गरिमा को मत गिराइए, मुख्यमंत्री पूरे बिहार वासियों के, 14 करोड़ बिहारियों के, और बिहारी अस्मिता के सवाल पर आपको झुकना नहीं चाहिए, और बिहारी अस्मिता को जगाकर रखने की जरूरत है। हम बिहारी हैं, और बिहार के साथ साथ पूरे देश आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब काम करना चाहता है। आज किसी पार्टी में आप देखिए, कहीं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ भाजपा में दिखेगा। आप एक तरफ जनता दल यूनाइटेड देखते होंगे, जहां नीतीश कुमार जी कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू किसी के नहीं है। आगे के दिनों में दिखेगा आपको, 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलेगा, फिर देखिएगा कि नीतीश बाबू क्या करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। वो करें बैठक करें, लिट्टी चोखा खाए, उसमें क्या दिक्कत है? बिहार आए, बिहार के व्यंजन को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग भी देंगे, हम लोगों को भी कहा जाए, हम लोग भी व्यंजन पहुंचाएंगे। अरे भाई, बिहारी अस्मिता का सवाल है, नीतीश कुमार जी को कौन चीन रहा है? जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है तो उनका रहना ना रहना क्या फर्क पड़ता है महागठबंधन में? इसलिए स्पष्ट है नीतीश कुमार जी ने क्यों छोड़ा था एनडीए, ये तो बताए। नीतीश कुमार जी ने इसलिए एनडीए छोड़ा था कि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया, और क्या कारण है आप ये तो बताइए, कारण क्या है? पिछले बार जब वो राजद को छोड़े थे तो कारण बताए थे ना कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करें, आज किससे समझौता कर रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश जी का कोई सिद्धांत नहीं, और एक एक बिहारी बिहार में समझ चुका है, बिहारी अस्मिता के लिए अब नीतीश मुक्त बिहार बनाएगा। देखिए, 2005 से लेकर 2013 तक जो बिहार में सरकार चली वो सरकार चली, 2013 से लेकर 2023 तक अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम करे, जो बचाने वाला मुख्यमंत्री होगा वो बिहार की जनता का भलाई नहीं कर सकता। और कितना विकेट गिराएंगे? देखिए, एक मैंने पहले ही कहा है कि 2024 तक जनता दल यूनाइटेड हाफ होगा और 2025 में पूरी तरह राजनीतिक तौर पर साफ होगा।